नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मुझे आग की एक छोटी सी चिंगारी मिली, उसे मैंने जंगल में एक छोटे से बिल में रख दिया और देखते ही देखते पूरा जंगल राख हो गया। चिंगारी छोटी हो या बड़ी, उसका धर्म है जलाना। हमारी जाति के लोगों के लिए श्री माधवन सर ही थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनके जैसी महानता एक दिन में हासिल करना नामुमकिन ही है। 4 साल पहले हमारे लोगों के लिए एक समिति बनाई थी, उन्होंने अच्छी नीतियां लागू की। वे बड़े दिल वाले थे, हमारे जाति के लिए उन्होंने जीवन दान दिया। हमारे संस्था के पीछे जो दिमाग था और जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी वो हमारे नेता उदय प्रसाद सर का था। हमारे नए सेक्रेटरी मिस्टर कुमार हमारे चुने गए नए प्रमुख का सत्कार करेंगे। साहब को गुजरे हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे क्यों हार पहना रहे हैं? साहब को पहनाइए। ठीक है, इससे पहले कि हम कमेटी के खर्चों को देखें, माधवन सर की मूर्ति के निर्माण के लिए कमेटी मेंबरों को मिलकर योजना बनानी चाहिए। अगर हमें एक सही स्थान मिल जाए तो हम मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। स्थान को छोड़िए, चलो पहले हम गांव का फैसला करते हैं जहां स्थापना करनी है। हम इसे अपने गांव में स्थापित कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे गांव में ही हो तो बेहतर है। मूर्ति साहब, भले ही हमारे नए नेता श्री उदय प्रसाद जी का हमारे गाँव के लोग काफी मान सम्मान करते होंगे, लेकिन श्री माधवन जी का पूरे 22 गांव में सम्मान है जहाँ हमारे जाति के लोग रहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी अगर हम उससे भी बड़ी प्रतिमा बनाकर उसके पास स्थापित कर दें। हम अपने गांव में ही रखेंगे, ये आप बोल रहे हैं इसके लिए नहीं, क्योंकि उनका जीना और मरना हमारे गांव में ही हुआ। अब हम कोई मुकाबला नहीं करेंगे। अब उनके और हमारे बीच में पिछले 8 साल से कोई टक्कर नहीं हुई है। अगर आपकी बातों पे जाएंगे तो लड़ाई को निमंत्रण देना होगा, जो गलत है। आज क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, अरे देर नहीं करना। अरे यार, जरा जल्दी कर सकते हो भाई? चीयर्स। अच्छा चलो यार, ब्रेक में मिलते हैं। हाँ, बाय बाय बाय। एग्नेस, एग्नेस। यस मैम। अरे यार, तुम अपनी प्रेमिका एग्नेस को ढूंढ रहे हो क्या? यार, लगता है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। चुप कर ना। सी बात कर। मैम,
चलो अंदर चलो। राजेश, स्नेहल, कान पे सिगरेट है? साइलेंस। जॉनसन, विनय, Stainless steel, various elements are added in a small percentage, usually less than 5%. Lelin Vijay, आप लोगों को क्या बनना है? क्या हम जान सकते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मौज मस्ती। हम जाएं क्या? यारा यारी अपनी सबसे जुदा सबसे हसी Cheers! यार पीना बंद कर दे क्या यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है हम सब फेवरेट थोड़ी ना है यारा यारी अपनी सबसे जुदा सबसे हसी यारा यारी अपनी सबसे जुदा सबसे बड़ी कभी कभी कर मनमानी भूत प्रेत सी शैतानी कभी कभी कर मनमानी भूत प्रेत सी शैतानी चले ही रोसा टशंत गाके झुके कभी ना किसी के आगे चले ही रोसा टशंत गाके झुके कभी ना किसी के आगे यारा यारी अपनी सबसे जुदा सबसे बड़ी ज्यादा काम नहीं बचा है मूर्ति का चाचा वैसे भी मूर्ति सीमेंट की है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी ठीक है पिताजी लौटते वक्त ढाबे से लेकर आऊंगा हाँ रामनाथ ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और पार्ट टाइम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं भगवान के लिए इनका वक्त बर्बाद मत करो अच्छा है कब तक तैयार हो जाएगी आपको तो जल्दी चाहिए ना हफ्ते भर में तैयार कर दूंगा ये लीजिए दिन में सोए रात को पार्टी हल्ला गुल्ला शोर मचाए दिन में सोए रात को पार्टी हल्ला गुल्ला शोर मचाए बिना वजह हम करे न दंगे उड़ते हैं आजाद परिंदे चले हीरो साट शंद खाके झुके कभी ना किसी के आगे यारा यारे अपने सबसे जुदा सबसे हसी यारा यारी अपनी सबसे जुदा सबसे हसी जिंदगी जैसी है ना नया बैच आता है पुराना चला जाता है क्या तुम्हें लगता है कॉलेज खत्म होने के बाद हमें मिलने का चांस मिलेगा चांस मिलेगा क्या मतलब चांस हमें खुद ढूंढना होगा कैसे भी करके एक कमरा बुक करते हैं उसके बाद फुल मस्ती यही तो हमारा मौज मस्ती करेंगे बहुत मुश्किल है यार सोचो अगर हम ऐसे हैं तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा शराब के लिए एक पैसा नहीं मिलेगा ये बात तो बिल्कुल सही है कोटरे की फौज उन्हें गली के कुत्ते की तरह पीटेगी ए दफा हो जा ए उसे चिढ़ाना बंद कर ये ले तू अब सुट्टा मार ए तुम मंदिर के सामने पूजा का सामान बेचने वाले हो ना यहाँ क्या कर रहे हो कुछ खाने को मिलेगा खाना कुछ भी नहीं है बाहर चले जा क्या देख रहे हो बोला ना चले जा
ए इधर आ, कौन अंदर आता है देखता नहीं क्या? ए दूंगा ना, ए चले जाए यहाँ से। हेलो सुनो, चिल्ला क्यों रहा उस पर? ए, पैसे दे रहा ना तुम्हें, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। ए हमें लेना देना है समझा? अंदर नहीं आ सकता, अगर ये अंदर आया तो हमारे बाकी के कस्टमर चले जाएंगे और मालिक हम पे चिल्लाएगा। बाकी के कस्टमर? ज्यादातर कस्टमर तो हमारे विद्यार्थी हैं। जब हमें कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? दादा एक मिनट, आप रुकिए। आपने ये होटल पैसा कमाने के लिए खोला है ना, तो फिर ये आदमी पैसा दे रहा है, इसे खाना खिलाइए। क्या बात है विजय? अरे यार ये आदमी अंदर खाना खाने आया, इसे खाना नहीं दे रहा ये, बाकी सबको दे रहे हो ना, इसे खाना दोगे या नहीं दोगे आप? ए उसे बैठा। ए बाबू क्या लाऊं सर? ये क्या लाए हो? मैंने क्या मांगा था? जाओ रोज वाला लेके आओ, चल चल। आया सर, तुम्हारे माल तुमको दे रहा है। क्या 15 मिनट लगेगा? क्यों भाई, कुमार यहाँ पर क्यों नहीं है? कब आएगा? वो कहीं बाहर गए हैं, 30 मिनट में आ जाएंगे। अरे तुमने तो कहा था वो ढाबे पे मिलेगा, अब कहाँ है वो? हाँ बोल रहा हूँ ना, वो बाहर गए हैं, आएंगे। अरे इतना भड़क क्यों रहा है भाई तू? चलो जाके अपना काम खत्म करते हैं। सुरेश भाई तुमने अभी तक उल्टी नहीं की? ए वो तो बच्चे हैं यार, तुम इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हो? कहाँ है वो मुझे बता। मैं दिखाऊंगा वो कौन है, थोड़ा मारपीट करके छोड़ना, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर नहीं, कहीं और लेके जाना। कुमार भाई को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। यार मुझे एक डाउट है, क्या सभी सिगरेट बनाने वाले ऊंची जात के होते हैं? हो ही नहीं सकता। और ये बता, दवाइयाँ और खाना बनाने वाले लोग? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। और हमारे पैंट शर्ट्स अंडरवियर वगैरह? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस होटल में आने के लिए इतना तमाशा क्यों होता है यार? अरे ये सब कब तक चलेगा यार? तुम्हारी जाति की संस्था का पोस्टर है ना, तुम्हारी जाति का व्यक्ति इस रेस्टोरेंट का मालिक है ना? सही कहा यार, तो उसे जाकर न्याय मांग लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आकर हमारे जाति का अपमान करते हो? हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों को छोड़ो। ए रुक जाओ। ए तुम लोग अंदर जाके काम करो। देखिए ये लोग हमारी जाति का मजाक उड़ा रहे थे। ये झूठ बोल रहा है। वो विठल जो आपका काउंटर संभालता है, उसने एक बूढ़े आदमी को अंदर आने से मना किया क्योंकि वो छोटी जात का है, ये उसकी गलती है क्या? बस इतनी सी बात थी, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। ये लोग हमारी संस्था के खिलाफ बोल रहे थे। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि ये दोनों तुम्हारी जाति के हैं, इस मुद्दे के बारे में हमने तुम्हारी संस्था में शिकायत की, इसके अलावा तुम्हारी जाति के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसे कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हमें अगर कुछ करना होता तो तुम्हारे सामने ही करते, हमें किसी का डर नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। ए! तो क्या आप लोग हिंसा पे उतारू हो जाओगे? ये हमारे ढाबे के रोज के ग्राहक हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा, आप लोगों ने भी कुछ गलत नहीं कहा होगा, मेरे ख्याल से कुछ गलत फहमी हुई होगी। अब एक काम करो, अभी झगड़े को यहीं पर खत्म करो और मिल बैठ के समझौता कर लो। एक छोटी सी बात के लिए एक दूसरे की जान ले लोगे? जो कुछ भी हुआ अब दोनों लोग भूल जाओ। ये लोग माँ बाप को छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए इनको। आप लोग जा सकते हो। जाइए भाई, हम लोग संभाल लेंगे, जाइए। क्या जब वो मुझे मार देंगे तब आप समझौता करेंगे? आपने निश्चित रूप से उसे वापस मारा होगा, ऐसा करना चाहिए था जो काफी होता। यदि आपने एक को भी मारा होता तो पूरे कॉलेज ने इसका विरोध किया होता। चुनाव के दौरान अगर पता चलता कि हम लड़ाई का कारण बने हैं तो सभी अखबारों में खबर छप जाती,
इसके अलावा इसमें से दो लोग हमारे जाति के हैं। अगर हम दूसरी पार्टी शुरू करते हैं तो अपने ही लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। अगर वो आदमी नहीं आता तो हम तो मारे जाते। ऐसे कैसे, हम लोगों के हाथ नहीं है क्या? हम भी उनका भरपूर जवाब देते। हाथ पैर ही नहीं रहेंगे तो बदला कहां से लेंगे? आप लोग कल माल भेजोगे या नहीं? कुछ पता नहीं। मेरे पिताजी सारा कारोबार संभालते हैं, मैं तो सिर्फ पेमेंट लेने आया हूँ। सुना है तुम लोग घर नहीं जाते हो, लॉज में रहते हो, क्या ये बात सच है? क्यों, मेरे बाप ने बताया क्या? ठीक है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी होकर साल भर में तलाक भी हो गया और तुम मुझे शादी की तलाक दे रहे हो, क्या बात है? ये क्या बात हुई, मुझे तो बात भी नहीं करनी चाहिए थी। ये लो अपना पेमेंट और जाओ, जाओ यहाँ से। कुमार को लगता है संस्था में कोई पद मिल गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी उसके चाचा नेता है। अच्छा, तो उसके पिता नहीं है? उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था, उसके चाचा ने उसके पाल पोस के बड़ा किया। जब तक हम राजनीति में पैसा नहीं कमाते हमें इस दुकान की जरूरत पड़ेगी। ये दुकान विद्यार्थियों की वजह से चलती है, चंद लारी ड्राइवर्स की वजह से नहीं। परिस्थितियों को संभालने के लिए दिमाग का उपयोग करो। वो नहीं है भाई, वो लोगों ने पहले क्या किया वो जानेंगे तो आप भी गुस्सा करेंगे। क्या तुम्हें पता है हम एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो हमें सेकंड क्लास मिलेगी? अरे यार, उसकी फिक्र वो करेंगे जिन्हें फर्स्ट क्लास चाहिए, हमें तो बस पास होने से मतलब है ना। अरे ये क्या, पूरी माचिस की डिब्बी खाली कर दी, शर्म नहीं आती ना? वो देखते रहे गांव वाला जा रहा है। ए भास्कर। अरे यार, एग्नेस हमेशा दुखी रहती है, तुम दोनों वापस क्यों नहीं मिलते? हाँ यार, तुम क्यों नहीं जाके एग्नेस से दोबारा बात करते? अरे वो अकेला है क्या, बिना हेडलाइट के गाड़ी क्यों चला रहा है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो चाय की दुकान पर थे। ए, वो देख सामने की तरफ, उधर चलते। ए, जल्दी कर, तुम्हारा खत्म होने तक मेरी सगाई और शादी भी हो जाएगी। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी अभी यहाँ से चार लड़के भाग कर गए हैं। कॉलेज के विद्यार्थी आने से पहले वो यहाँ से भागना चाहते थे। क्या यही है वो? हाँ यही है। तभी तो वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? मालूम नहीं, मैं तो बस दुकान पे खड़ा था। ए, घूर क्या रहा है रे? मैं नहीं, तुम घूर रहे हो। ए, तू क्या बोल रहा है, मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, तू जानते तू किससे पंगा ले रहा है, जानता है? ये बता, इनमें से कोई आदमी वहाँ ढाबे पर था क्या? मुझे नहीं लगता। ए, अगर ये वही लोग होते तो यहाँ तक हमारा पीछा करते और हमें मार डालते, समझे? ये जरूरी था, कुमार भैया ने आपको शांत रहने के लिए बोला था ना, फिर बात को आगे क्यों बढ़ाया? हम लड़ना नहीं चाहते, हमें तो अपने काम से मतलब था। कच्ची शराब पियोगे तो जल्दी मर जाओगे, पानी मिला लिया करो यार। अरे दोस्त, जैक शर्ट वाले ने दास को ढाबे पे मारा और इसके साथ इसके तीन दोस्त भी थे। ए, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आया। ए, रुको, हम भी चलते हैं। ए, ए तू जानते हो तू किससे पंगा ले रहा है? तुम लोग है ना बिगड़े हुए शराबी हो। मारने से काम नहीं चलेगा,
हमें उनकी हड्डियां तोड़नी होंगी। दास अभी के लिए शांत हो जा, वरना कुमार भैया की बात ना मानने पर गुस्सा करेंगे। ए, संभाल कर, एक भी बॉटल नीचे नहीं गिरना चाहिए। सबको एक जगह पर रखो। चिंता मत कर भाई, छोटी सी गलती हुई। छोटी गलती? लेबल ही सब कुछ होता है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं ब्रांडेड शराब के लेबल्स चिपका कर माल पहुंचा दूंगा, वो ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। एमआरपी रेट से चलाओगे तो 80% मुनाफा होगा। हाँ, एक और बात, उसमें से एक बोतल के अंदर बैटरी थी, अगली बार ठीक से माल चेक करके भेजना, ठीक है ना? तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? इस पार्ट टाइम काम करने वाले को तो देखो कैसे मोबाइल का शो ऑफ कर रहा है। हेलो, हाँ पार्टी लॉज में है, ठीक है। अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, हैं? शर्म आ रही है? देखो तो सिगरेट ऐसे पी रहा है जैसे गांजा पी रहा है। अरे अपनी बीवी के साथ प्यार करने में किस बात की शर्म, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ दूसरे की बीवी को। यार हमें भी एक बार गांजा ट्राई करना चाहिए। अरे पर वो मिलेगा कहाँ? केमिस्ट्री लैब में केमिकल है, उससे हम ये काम कर सकते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम क्वार्टर पी लो। अबे वो जवानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। मजा है ना? ए वो देख, वो एग्नेस है ना। किससे बात कर रहे हो, कौन है, कौन है भाई? वो ऐसे क्यों घूर रहे हैं यार? वो देख। ए, उधर क्या देख रहा है बे? ए सुरेश शांत यार। अरे वासु हम तुझे ही बुला रहे हैं, इधर आना। सिगरेट तेरे पास है ना? अरे यार ये बस देखने में पहलवान है, लेकिन हम ही लोगों को शांत कराता रहता है। भाई लगता है हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जाने दो, वो हमारे सामने भी बच्चे हैं। यार वो सब फर्स्ट ईयर में था, अभी कुछ नहीं है। तू उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करना यार, समझा लेना यार। परिवार उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बोलकर वो चली गई। उसकी बहन ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी कर ली। तू भी तो क्रिश्चियन है ना यार, ये तेरा नाम लेनिन विजय क्यों? कम्युनिस्ट लीडर लेनिन के ऊपर मेरा नाम लेनिन हो गया। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो तेरे पास खुद चल के आ जाएगी। वो ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहते ना। चेयर अप, हमारी दोस्त की एक्स प्रेमिका के लिए। चलो सब गिलास उठाओ। नहीं ना, हमारी दोस्त की प्रेमिका के लिए। फर्स्ट ईयर की बात आएगी। तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? ए, मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था, मैं किसी और को देख रहा हूँ। अब नाटक बंद कर और ये मान ले कि तू उससे बात करने से डरता है। सुन, मैं डरपोक टाइप का नहीं हूँ, हाँ बात करता है। हिम्मत है तो जाकर उसे आई लव यू बोलकर दिखा। 50 रुपए की शर्त। आई लव यू बोलूं? वो मुझसे बात भी नहीं करती है, हेलो भी नहीं बोलती है। और मैं डरपोक है, जा अपने काम पे ध्यान दे। ना 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 ना। पीछे आया। ना ताना, I love ताना। रबर मिलेगी क्या? थैंक यू। यो 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 खट्टी मीठी बातें तेरी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी आंखें तेरी दिल मेरा ठगती है। हाय खट्टी मीठी बातें तेरी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी आंखें तेरी दिल मेरा ठगती है। हारे हारे हम तुम पे दिल हारे, कजरार नैन नैन तेरे कजरारे। हारे हारे हम तुम पे दिल हारे, कजरार नैन नैन तेरे कजरारे। खट्टी मीठी बातें तेरी बड़ी अच्छी लगती है,
बड़ी बड़ी आंखें तेरी दिल मेरा ठगती है। मन बैरागी काम कोई अब कर नहीं, क्या होगा अंजाम इश्क ये जरा भी सोचा नहीं। हो तेरे बिना मन बैरागी काम कोई अब कर नहीं, क्या होगा अंजाम इश्क ये जरा भी सोचा नहीं। प्यार के धागे से जो रिश्ता जुड़ गया तेरा मेरा, प्रेम का ये ढाई अक्षर बन गया फ्यूचर मेरा। देख कर हंसना तेरा जान न मेरी ले जाए, दिल निकम्मा हुआ इश्क में धड़कन तेरे गुंगाए। लगता है केमिस्ट्री काम कर गई। चल चल मैं जा रही हूं। हारे हारे हम तुम पे दिल हारे, कजरारे नैन नैन तेरे कजरारे। थैंक यू। आई लव। रबर मिलेगी क्या? हमारी आने वाली पीढ़ी कल हमारे प्रिय नेता श्री उदय प्रसाद जी कैलाशवासी श्री माधवन जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हम लोग निकले क्या? ए कुमार चलो चलते हैं। जाके चेक कीजिए। ए तुम सब लोग शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा। ये क्या है, क्या हो रहा है इधर, क्या कर रहे हैं तुम लोग? प्रतिमा को सील करने के लिए कलेक्टर का ऑर्डर है। रुको, क्या आप लोग प्रतिमा को सील क्यों करोगे? देखिए, जब आपने पहली बार मुझसे नियमों के बारे में पूछा था तब मैंने क्या कहा था? सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा का स्थापना नहीं कर सकते, ऐसे सामग्री नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आसानी से नुकसान हो। लेकिन ये सड़क या सार्वजनिक जगह नहीं है, ये मेरी जमीन है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। फिर आप लोगों को परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन इसे सीमेंट से बनाया गया है, आसानी से नुकसान हो सकता है। अरे सीमेंट को इतने आसानी से नुकसान नहीं पहुंचता। और किसी ने नुकसान किया तो? क्या बोल रहे तू? ए शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? 8 साल पहले जात पात के कारण हुए दंगों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जो सख्त निर्देश दिए हैं हम भी वही कह रहे हैं। और कॉलेज के पास जो दूसरी मूर्ति है उसका क्या, जिसका MLA ने अनावरण किया, वो भी तो सीमेंट की है। लेकिन वो दंगों के पहले की बात है। हमें सब बेकार के कारण मत बताइए, ये बात बिल्कुल साफ है कि आप मौजूदा MLA के कहने पर यहाँ आए हैं। अगर हमने इसे सोने से बना दिया तब भी आप इसको गिराने का रास्ता ढूंढ ही लोगे। हमको आदेश मिले हैं प्रतिमा को सील करने के लिए, हमारे ड्यूटी के बीच किसी के दखलंदाजी नहीं चाहिए। ये महान शख्स देश की आजादी के लिए भी लड़े थे, उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। हमने पंचायत से बात करके मेरी अपनी जमीन पर प्रतिमा की स्थापना की है। ये जरूर दूसरे जाति के लोगों की साजिश है।
आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारी जाति के लिए एक नई पार्टी का गठन करना ही पड़ेगा। अरे भाई, हमारे स्वर्गीय नेता माधवन जी कभी हमारे लिए राजनीतिक पार्टी नहीं चाहते थे। लेकिन आज हमें उनका सत्कार करने की भी अनुमति नहीं है। अगर हम आपके कहने पर चलें, क्या आपको लगता है हमारी पार्टी मजबूत रहेगी? हमारा लक्ष्य हमारी जाति के लिए एक नई पार्टी का गठन करना है। हमारे राज्य में ऐसी छोटी छोटी पार्टियां बहुत हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारे क्षेत्र में एक अपराजय बल हो, उस शक्ति का उपयोग करते हुए हम बड़े संगठन से जो चाहे हासिल कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार हमारे जाति के समर्थन के बिना सांसद या विधायक के पद को हासिल करने में कामयाब नहीं होना चाहिए। एमएलए इलेक्शन को देखते हुए 1,20,000 मतदाता हैं और हमारी संख्या सिर्फ 15,000 ही है। सिर्फ 15,000 मत कहो, ध्यान से सुनो। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें केवल 70% आबादी ने मतदान किया है। 1,20,000 का 70% 84,000 होता है। ये है पूरी वोटों की गिनती। अब आप मुझे हमारी वोट बैंकों का वास्तविक परसेंटेज बताइए। क्या हम सिर्फ 17% के साथ जीत सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम एक बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी? हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला हमेशा दो बड़ी पार्टियों के बीच रहा है। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने केवल 8,000 से 10,000 के मार्जिन से जीत हासिल की है। हमारे 15,000 वोट ही निर्णायक साबित होंगे, ये आप लोग देख लेना। आपका मतलब हम अपने बल पर नहीं जीत सकते? बात यहाँ सिर्फ हमारे अकेले जीतने की नहीं है, लेकिन हमारे बिना कोई दूसरी पार्टी जीतनी भी नहीं चाहिए। अब आपका क्या कहना है? अब सिर्फ अगर हमारे लोग आपकी वोटिंग योजना से सहमत है तो हम सफल हो जाएंगे, वरना ये समय की बर्बादी है। हमें अनुमति मिलने तक हम 22 गांव में जाकर भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, नारे लगाएंगे। अब इतने सारे लोग एक साथ होंगे तो अनुमति देना ही पड़ेगा। वो लोग हमें भूख हड़ताल की अनुमति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जाति के नाम पे दंगे हो सकते हैं। वो लोग चाहे जो भी बोले, हमें भूख हड़ताल करने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। पुलिस से अनुमति नहीं मिलती तो हमें जेल में डाल देंगे या लाठी चार्ज करके हमारा काम बिगाड़ देंगे। हम भी तो देखें, हमें ऐसे कैसे जेल में डाल देंगे, हम देखना चाहते हैं, हम डाल देंगे शहर को जला देंगे, हम बताएंगे हम क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टील हीट ट्रीटमेंट का लेसन जारी रखेंगे। कार्तिक, ये सैंपल लो। ये 1.5% कार्बन स्टील है, इसे भट्टी में रखें और ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर सेट करें। आपको पता है ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर क्या होता है? 1,000 डिग्री सेल्सियस। जाके अंदर रख दो। तुम लोगों का फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट हीट ट्रीटमेंट पर आधारित है कि नहीं? तुम लोग तो बेसिक फैक्ट भी नहीं जानते। अरे यार सर, में दर्द हो रहा है। लेनिन विजय, सैंपलिंग के लिए ऑयल क्वेंचिंग करो। रुको, क्या तुम फ्रिज से एप्पल लेने जा रहे हो? अपने ग्लोव्स पहनो। जो व्यक्ति हमारे जाति की वोटों से सत्ता में आया था, वो हमारे नेता की प्रतिमा स्थापित करने नहीं दे रहा है। हमारे नेता को अनुमति मिलेगी ना? हाँ मिलेगी, लेकिन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। ये बड़े दुख की बात है कि एक लीडर की प्रतिमा लगाने के खातिर दूसरे लीडर को अपनी जान देनी पड़ती है। अब ये सब बदलेगा। पुलिस और दूसरी जाति के लोग आपको विरोध करते वक्त भगाएंगे। अगर वो तुम्हें मारे तो तुम खामोश मत रहना, तुम भी उन्हें मारो, उनको घेर लो, हल्ला बोल देना तुम लोग, डरना नहीं। इसी तरह हमको पूरे 21 गांव के स्टूडेंट्स को अनशन और स्ट्राइक के लिए तैयार करना होगा। जी सर। ये क्या है भाई, हमारे नेता ने राजनीतिक पार्टी के लिए मना कर दिए हैं, फिर भी तुम ये सब? जब हमें अच्छा मौका मिला है तो फिक्र किस बात की, समझा? समझा नहीं,
अब जबकि हमारे लीडर कई सारे गांव में अनशन पर बैठे हुए हैं, हमको उन गांव में रहने वाली हमारी जाति के लोगों से मिलना होगा और समझाना होगा कि वह कैसे काउंसिलर और चेयरमैन बन सकते हैं। इस तरह हमें उनका पूरा सहयोग मिल जाएगा। वैसे भी पुलिस के डंडे खा चुके हैं, पार्टी बनाने के आइडिया को नाकार नहीं पाएंगे। हाँ भाई, हमारे नेता संस्था के सामने गिर पड़े और बेहोश हो गए, वो हॉस्पिटल में। ये क्या कह रहे हो? गिरने से उनकी गर्दन में काफी चोट आई है, स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हुआ है। हड्डी बैठाने के लिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो उम्र भर बैठ नहीं पाएंगे। चिंता ना कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नेताजी के बदले आप हड़ताल में शामिल हो सकते हो ना? जो लोग मेरे चाचा को समर्थन देते हैं, क्या मुझे समर्थन देंगे? समाज में उनका मान सम्मान अच्छा है। इलेक्शंस तो 3 महीने में होने वाले हैं, तब तक हमें पार्टी निर्माण करनी पड़ेगी और 15,000 वोटों के साथ जीत हासिल करनी पड़ेगी। अब क्या करना है सोचो। रुको, मैं आ रहा हूँ। हे भास्कर। हाँ बोलो। इधर आओ, ये मेरी बहन की शादी का कार्ड। हम तो एक ही शहर के हैं, फिर इस कार्ड की क्या जरूरत है? रख ले, और किसको दूंगा मैं। ठीक है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे साथ क्वार्टर के आने के बाद मैं ढाबे पे जाऊंगा। बाइक की चाबी दे दे। ए! ठीक से नहीं खड़े रह सकते? आप यहाँ बैठो। नहीं नहीं ठीक है। ज़्यादा समझ में आता है तुझे? ज़बान संभाल के। बदतमीज़ कहीं का। औरतों की इज्जत करना सीखो। गलती से टकरा गया, मैंने कोई जानबूझ के थोड़े किया। अरे मारना क्यों? दोस्त, मैंने चाबी तेरे रूम में छोड़ दी है। ए क्वार्टर, तू इतनी देर से क्यों आया है? सब लोग जूनियर की दावत के लिए निकल भी गए। क्या तूने अपनी आंखों से देखा? पर एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। ए तू जाना। ठीक है, जो भी है, तूने उसे सबके सामने मारा, वही काफी है। दूसरों को बता के इसका बड़ा मुद्दा नहीं बनाना। बिना किसी लड़ाई के हमें इन 2 महीनों में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। उन्हें वैसे भी पता चल ही जाएगा, बस में हमारे भी कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। याद रख, तुझे अभी भी मालूम नहीं कि जानबूझकर किया गया था। वो लड़की रो रही थी इसलिए तूने उसे मारा। ठीक है, अब अपना मुंह बंद रखना। भाई भाई बात सुनो, हॉस्टल में हम इसे भी नहीं करेंगे। हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। छोड़ मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनो, हम उसे जरूर मारेंगे, लेकिन हॉस्टल में नहीं मारेंगे, ऐसी जगह मारेंगे जहां वो हमेशा जाता हो। तुम्हारी बात समझा नहीं। वो लड़के याद है ना तुम्हें, जिन्होंने बूढ़े की वजह से तुम्हें परेशान किया था? बोलो। हाँ है। उनमें वो छोटा वाला भी है? हाँ अभी आया है। क्यों? वो लोग वही है। विट्टल, मैं मेरे आदमियों को भेज रहा हूँ। उस लड़के को इशारे से दिखा देना। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाथ पैर तोड़ देना, मुझसे पंगा लेने का अंजाम याद रहे उसे। कौन सा लड़का? याद है वही लड़का जिसने दास को मारा था, जिसको आपने बचाया था। अरे क्या वो 2 लड़के हमारी जाति के हैं? ऐसा है क्या? उनमें से जो छोटा लड़का है ना, वही। रामनाथ ने तुमको बताया कि बात क्या थी? नहीं भाई, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं।
अगर वो आते हैं तो क्या मैं उनको बताऊं कि वो लोग चले गए? एक काम करो, उस लड़के की शनाख्त मत करो, वो कुछ बेवकूफी कर सकता है। नहीं तो ऐसा बोलूं क्या कि वो लड़के आए थे लेकिन चले गए? अरे नहीं 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 नहीं, अगर रामनाथ को पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बिजनेस पे असर पड़ सकता है। तू फोन रख, मैं रामनाथ से बात करूंगा। उसने जानबूझकर किया है ना? पता नहीं। उसका नाम क्या है? रामनाथ, मेटलर्जी डिपार्टमेंट। भाई सिगरेट नहीं चाहिए। उसे नशा करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम उससे मिलते हो तो बोलना, फ्रॉड को दुकान पे ना भेजे। वो लोग जानते हैं कि कुछ मुसीबत आने वाली है, पूरी तैयारी में है। मैं क्या करूं? मूर्ति, मैं जा रहा हूं, रामनाथ के लोग आके पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं अस्पताल गया हूं मेरे पिताजी को देखने के लिए। संभाल लेना। हाँ अरे बाबू। भाई मूर्ति भाई, विठल भाई कहाँ गए हैं? दो फ्राइड राइस, एक चिली चिकन, और कुछ? बस इतना ही। मूर्ति भाई, दो फ्राइड राइस, एक चिली चिकन। क्या लाऊं साहब? तीन बियर। और कुछ? बस इतना ही। ए, यहाँ पे विठल कौन है? वो बाहर गया है। वो कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? ए, क्या तुम्हें वजह बतानी जरूरी है? जाने से पहले वो कुछ बोल के गया है? उसने कहा है कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आएंगे। क्या उसने किसी की पहचान करने के लिए कहा है? क्या उसने तुम्हें कुछ और बताया? मैं आपको कैसे बताऊं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। ए, हम वही हैं। ओ, उसने पूरी बात मूर्ति भाई को बताई है। मूर्ति भाई, रामनाथ के आदमी विठल को ढूंढते हुए आए हैं, उनको बताओ, पूछ रहे हैं वो। अगर
अगर छात्र दिमाग नहीं चलाते तो उसमें से एक को मार दिया होता। क्या कर सकता हूँ बोलो। हम ढाबे पर अवैध शराब बेचते हैं। हम खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है आगे ख्याल रखूंगा। एक मिनट रुको, अगर वो मामला है तो पुलिस के साथ समस्या हो सकती है। तुम जाओ और छात्रों के साथ समझौता करने की कोशिश करो। समझौता? देखो अगर मुझे कुछ होता है ना, मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा। अगर बिजनेस अच्छा चलेगा ना, तभी तो हमको मुनाफा मिलेगा ना। क्या बोलता है तू? कुछ तो बोलो। हे, बुला रामनाथ को अभी के अभी। उसे बुला। ए, उसे बुलाता या नहीं? सुनो बस करो नहीं तो मर जाएगा। हमारा मामला है, इसमें टांग मत अड़ाओ। तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मुझसे गुंडों को सब कुछ बताने के लिए कहा गया था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोग रोज आते हो, इसलिए मैंने विठल को हॉस्पिटल भेजा। इसकी बजाय तुम हमें पहले भी इस बारे में बता सकते थे ना। इससे पहले कि मैं कुछ करता तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। रामनाथ से फोन पर मेरी बात नहीं हो सकी, इसलिए उसने प्रत्यक्ष रूप से मिलने की योजना बनाई और तुम्हें लगा कि उसने जानबूझकर किया। सही कहा ना मैंने? मैं अब भी कह रहा हूं कि उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। उसने जानबूझकर ही किया होगा। ठीक है, तुम लोगों को समझना चाहिए कि मैं इस मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को और रामनाथ के पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। रामनाथ एक बदमाश है लेकिन उसके पिताजी एक महान आदमी है। पर मुझे जैसे ही पता चला मैंने उसके पिताजी को बुलाया और उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसका आज के बाद से खास ध्यान रखूंगा। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को पहले से ही लोगों के सामने शर्मिंदा किया गया है। अब मैं और आगे बात बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए आप लोग भी इस बात को यहीं पे खत्म करो। फिर लोगों को भेजेगा तो? वो अब कुछ नहीं करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। क्या बोलते हो? इधर दे। इतना नशा मत करो, ध्यान से सोचो आगे क्या करना है। ऐसे लड़कों की वजह से ही हमारी कॉलेज की इमेज खराब हुई है। सर मुसीबत का कारण वही है। मुमकिन है रामनाथ कोई अच्छा आदमी नहीं है। सुंदर राजन, जो भी हुआ एक हादसा था, क्या आप भी उन बदमाशों और गुंडों की तरह पब्लिक को परेशान करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा उससे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं। अरे यार वो वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा होशियार है। ऐसे मुझे मत देखो जैसे कोई नशा करते ही ना हो। उनका कमरा देखा है, बिल्कुल क्लब जैसा है। हर जगह बोतलें, दीवारों पे हर जगह गंदे पोस्टर्स लगे हैं। उन्हें अंदर इतनी देर क्यों लग रही है? आज जैसे कि सीबीआई की जांच चल रही हो। अरे देखो ये आ गया, जल्दी आओ बैठ जाओ। क्या पूछा तुमसे? अरे क्या पूछा, कुछ बताएगा भी? उन्होंने मेरे घरवाला को बुलाया। मैं पिताजी को क्या बोलूंगा? सर इसे इस बार माफ कर दीजिए सर। बस आप ही के कारण मैं उसे कॉलेज से सिर्फ एक महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। इस एक महीने के दौरान ना वो कॉलेज आ सकता है और ना कॉलेज के हॉस्टल में रह सकता है। पढ़ाई का नुकसान होगा सर, प्लीज कुछ कीजिए। माँ इनसे भीख मत मांगो, चलो यहाँ से। वो आपको बुला रहा है ना प्लीज जाइए। अरे क्वार्टर की माँ आ रही है यहाँ पर। अरे बापरे, अरे रूम साफ कर, अरे जल्दी कर, क्वार्टर की मम्मी आ रही है। अरे क्वार्टर की मम्मी आ रही है, वगैरह सब छुपा दे, जल्दी कर। ओ बापरे, सफाई कर सफाई कर सफाई कर सफाई जल्दी। हाँ लगता आ गई। अरे अरे छोटे भाई, तुमने सिमरन की फोटो मांगी थी। अरे उसने कहा था उसे सिमरन पसंद है। कार्तिक यहाँ आना, आंटी आइए ना, अंदर आइए ना। क्या आप सभी साथ में रहते हैं? जी। कार्तिक
तुम्हारी सूटकेस और बाकी सामान कहाँ है? अरे वो बाजू वाले कमरे में है। ए, आजा, तेरे रूममेट की मम्मी आई हुई है। क्या? What are मेरा रूममेट? क्या यार, मैं तुम्हारा रूममेट था, कार्तिक मेरा रूममेट है, तो हम सब रूममेट हुए ना। क्या? वो कार्तिक की माँ है, समझा कर यार। इसको हिंदी नहीं आती आंटी। ये हमें खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहा है, हम लोग खाना खा के वापस आते हैं बस। हाँ जल्दी आते हैं, जल्दी वापस आ जाना। चलो 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 भाई, जा जा जा। अरे यार, अरे टेंशन मत लेना, बाहर चल मैं सब समझाता हूँ तुझे। आजा आजा आजा। अरे सुरेश, कार्तिक की माँ के लिए खाना ले जा रहे हो? अरे यार, थोड़ी देर के लिए बाइक देगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जाना। बाय 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 बाय। सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहकर पढ़ूंगा। लेकिन सर ने तुम्हें हॉस्टल खाली करने के लिए कहा है ना? हमारे साथ भी ऐसा ही किया आंटी, ठीक से जांच भी नहीं की, मुझे और सुरेश को तो बिना जांच के ही निकाल दिया उन्होंने। तुम चुप कर क्यों रहना चाहते हो? चलो बेटा चुपचाप से घर चलो। ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, मैं यहीं पर रहूंगा। अगले हफ्ते इसका बर्थडे है और उसके एक हफ्ते बाद बहन की शादी, हमें एक साथ जाना है न माँ। आप लोग मेरे बेटे का ध्यान रखना। अरे आंटी आप परेशान मत होइए, हम उसका ख्याल रखेंगे। अरे क्वार्टर, भास्कर ने कहा उसने बाइक की चाबी कमरे में रखी है। एक बात है भाई, अगर हम सांसदी चुनाव में अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हो तो हमें विधायक चुनाव को त्याग करना होगा। हाँ भाई, चुनाव के लिए अब सिर्फ आधा महीना ही बाकी है। इजीली डैमेज होने वाले ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रतिमा कितनी मजबूत होगी, क्या वो आसानी से टूट जाएगी? देखिए ये सीमेंट से बनी है, तांबे जैसी मजबूत तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं। क्या अब वो उपवास रख सकते? क्या उपवास? मुझे लगा तुम उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहोगे। उपवास के पहले 10 दिन शांतिपूर्वक आगे बढ़ने चाहिए। उन दिनों के दौरान हम केवल एक राजनीतिक दल की आवश्यकता का प्रचार करेंगे, उसके बाद ही हम हिंसा का प्रचार करेंगे। इतनी सारी योजनाएं कुछ पैसे कमाने के लिए, आपने सारी योजनाओं को आखिरी पल में बर्बाद कर दिया। आप मेरी राह में रुकावट हो। विश्वास नहीं कर सकता कि आपने मुझे बड़ा किया। हम सभी दोस्तों को ट्रीट के लिए बुलाएं क्या? अरे कॉलेज में आखिरी बर्थडे है, हम चारों ही मजे करते हैं ना, बाद में सबको बुला लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। चल यार ढाबे पे चलते हैं। अभी वहां पर हमारी लड़ाई हुई थी ना, फिर से वहां पर क्यों जाना? चलो कहीं और चलते हैं। देखो वो बदमाश वहां बैठा है। सुनो, किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं, उन्होंने अभी तक किसी को उकसाया नहीं है, ये बात यहीं पर खत्म करो। अच्छा सुनो, तुम तीनों चाय पियोगे ना? भैया चार चाय देना। चलो यार वापस लॉज पे चलते हैं। ये वही है जिसने वाइस प्रिंसिपल से शिकायत की। ए, डरपोक की तरह क्या बात कर रहे हो, सीधा मुझसे बात करो। डरपोक? क्या बोला? डरपोक? डरपोक तुम हो, तुमने गुंडे भेजे थे। ज्यादा होशियार मत बन, समझा? तुम लोग क्या कर, क्या कर रहे हो? तेरा पहले की पिटाई भूल गया क्या? बोला था ना बात नहीं करनी है। ए सुन, अगर तूने दोबारा उस लड़की को देखा ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। छोड़ना यार, मैंने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी। की थी ना? एक और चुप कर। अरे 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 यार, ये क्या बकवास है, तुमने फिर से शुरू कर दिया, ये क्या है? रोज कोई ना कोई आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। अरे संभालो यार, हम लगभग कॉलेज में ही है। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है भाई? अरे ये सिर्फ शोर कर रहा है, ये उल्टी नहीं कर रहा। उसे देखो। ए! अरे 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 यार, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? कम से कम खिड़की के बाहर करो ना। आप नहीं कर रहे हो? मेरा तो दुकान पे हो गया। आप लोग कमाल। भाई अब ये कौन साफ करेगा?
छुट्टी लेके कहाँ जा रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो भाई। रुक जाओ जरा, मुझे पेशाब करना है। ए गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोक 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 ना, रोक ना यार। ए ए ए क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? ए छोड़ो यार उसे, अरे वो तो एक पागल है यार। हमारे नेता की प्रतिमा को क्यों खराब कर रहा है, पेशाब कर रहा है उसके ऊपर। अरे छोड़ो यार, वो तो एक पागल है। चल 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 निकल यहाँ से, चल निकल। दोबारा ऐसा किया ना हाथ पैर तोड़ देगा क्या? मैं बस में आ जाऊंगा। चल यार मैं लॉज पर जाकर कर लूंगा। वो देख वो लोग आ रहे हैं। यार मैंने आज ना बहुत पी। अरे ये वही आदमी ना जो उस दिन हमसे लड़ा था। ए कौन है वहाँ? छोड़ना नहीं उसको, छोड़ना नहीं उसको। कौन है? अंदर गए। अरे लगी क्या उसको? ए इधर आओ। चल चल, तुमने हमारे नेता की प्रतिमा को अपमानित किया है। देखो हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, हमारा निशाना वो कार थी, वो चली गई। तुम बेकार के बहाने मत मनाओ, तुमने जानबूझ के किया है। अरे रुक 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 रुक। ए जाके पता कर क्या प्रॉब्लम है। ये हमारी गलती है मैं मानता हूँ, पर हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ हमने जानबूझकर नहीं किया। तुम बेवकूफों को प्रतिमा नजर नहीं आई? कहीं से पीकर आए लगता है। आराम से, आराम से। तुम इन्हें छोड़ दो, नशे की हालत में है, बात को आगे मत बढ़ाओ। चलो चलो। वो लोग बीच में आ गए, नहीं तो अच्छा सबक सिखाते। ऐसा लगता है कि ये नशे की हालत में किया गया है। उनकी किस्मत अच्छी थी, वहां पर कोई जाति कट्टरपंथी नहीं थे। कुछ समय पहले महेश और उसके गैंग ने एक भिखारी को भी मारा था। भिखारी को क्यों मारा था? क्या आप कारण पूछ रहे हैं? उसने प्रतिमा के पास पेशाब भी किया था। उनकी कट्टरता का कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ पागल था, उसे क्या पता होगा। हम क्यों हमेशा एक ना एक मुसीबत में पड़ जाते हैं? भले ही हम अच्छे हों, अगर गलत लोग चारों ओर घिरे रहेंगे तो हम पर तो असर पड़ेगा ही ना। अभी कुछ समय पहले महेश के लोगों ने एक भिखारी को भी मारा था। उनकी कट्टरता का कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ पागल था, उसे क्या पता होगा। ये दोनों तुम्हारी जाति के हैं भाई। काट कर रख दिया होता उनको। उनकी किस्मत अच्छी थी, वहां पर कोई जाति कट्टरपंथी नहीं थे। अगर कोई होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। तुम्हें कविता सुनाता हूँ, भीगे उड़ते रहे। हाँ कैसी कविता है? बोल। अरे वहां कौन बैठा है? हेलो दोस्त, तुम कौन हो? हेलो तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? बोलो ना। सिगरेट जलानी है? ये लो। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा है और वो मेरा। अरे ये खत्म हो रहा है, वापस करो सिगरेट। यार
मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा है, सिगरेट दो। मैंने कहा ना मेरी सिगरेट दो। अरे सिगरेट अरे 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 इधर आ, वापस आ, मेरी सिगरेट दे वापस। ए क्या कर रहे हो? सुनो, मुझे पक्का यकीन है वो जरूर कोई पागल होगा। छोड़ दो ना, चलो फिर से सोते हैं। अरे रात भर तू घोड़े बेच के सोया हुआ था और कहता है नींद आ रही है। मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं पत्थर की तरह नहीं सोता। मेरा सर फट रहा है, मैं जा रहा हूं। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस पागल आदमी ने इसको वहां ले जाके क्यों लेटाया? अगर वो पागल भी था तो उसने क्वार्टर को ही निशाना क्यों बनाया? शायद इसलिए कि उसके बाजू में सोया होता। और अगर पागल नहीं था तो? अरे छोड़ो ना यार, क्यों डर रहे हो? वो एक पागल था जो नशा करता था। तुम लोग डर क्यों रहे हो? हम डर नहीं रहे, अब रामनाथ को हमसे डरना होगा। इतना ही नहीं, उसने क्वार्टर को निशाना बनाया इसलिए हमें उस पर शक है। मैंने उससे बात करके सब निपटाने के लिए कहा है। मुझे नहीं लगता कि उसने बाद में गुंडों को भेजा होगा। अगर वो सचमुच गुंडा होता तो तुम्हें छोड़ता नहीं। वो आदमी सचमुच में पागल ही था। हमें कुछ पक्का तो नहीं पता है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर इसके साथ दोबारा कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट या फिर कुछ भी, तो हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में उसके पिताजी से बात करूं। हमें उस आदमी का पूरा पता चाहिए। पूरा पता? हाँ, हमें जाना है वो रहता कहाँ है। उसका घर कहीं कल्याणपुर में है, लेकिन यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब क्या, बस तुम जानना चाहते हो ना कि वो कहाँ रहता है?
यही ना, वो शक्ति पार्क लॉज का मालिक है, वो हरदम वहीं पे रहता है, कभी भी घर नहीं जाता। फिर भी तुमको पता चाहिए तो मैं कल लेके आऊंगा। वैसे आप लोग पढ़ाई क्या करते हो और आपके पढ़ाई का विषय क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं और हम दोनों मेटलर्जी। मेटलर? मेटलर्जी। ये क्या होता है? हमारे राज्य में सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं मेटालिक एलिमेंट्स की इंजीनियरिंग के लिए। तो तुम लोग के कितने साल बाकी? सिर्फ 2 महीने। ओ, सिर्फ 2 महीने। हाँ, कल रात प्रतिमा के पास कुछ हुआ था क्या? वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा। वो कोई बात नहीं, ग्रीस का बक्सा गलती से मूर्ति पर लग गया। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। तुम लोग चिंता नहीं करना, कोई दिक्कत हुई तो मेरे पास आ जाना। सभी जाति हमारे लिए एक है, लेकिन हमने हमारी सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाई है। तुम दोनों हमारी जाति के हो ना? भाई, क्या आपने सुना? क्या? 2 कॉलेज के छात्रों ने अपनी जाति के नेता की मूर्ति को अपमानित कर दिया। हाँ, लगता है उन्होंने ये नशे की हालत में किया होगा। उसमें दुख की बात यह है कि उसमें 2 लोग मेरी जाति के हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे जाति का नाम बदनाम हुआ है। हेलो। अरे भाई साहब, क्या हुआ?
डॉक्टर का खुराक भारी था ना, वो जरूर मरेगा। ए, तूने दोबारा उस लड़की को देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। अरे कोई बात नहीं, उस दिन मैंने इसकी अच्छी खासी धुलाई की थी ना। पाउडर का खुराक भारी था ना, वो जरूर मरेगा। ब्रेन डैमेज के कई कारण हो सकते हैं, ड्रग्स का ओवरडोज, बहुत ज्यादा शराब पीना या दिमाग में गहरी चोट लगना। ये तीन कारण हैं जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है। आपका बेटा इन्हीं कारणों की वजह से कोमा में चला गया है। क्या बात कर रहे हो, क्या तुमने उसे सचमुच में मार डाला? नहीं, वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो मर गया है ना? हाँ, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसके साथ तुम कुछ भी करो लेकिन दूसरों को छोड़ दो, किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? सस्पेंशन के बाद कॉलेज में रहना इलीगल है, इस हादसे के लिए हमको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए छुट्टियां कब से शुरू हो रही है? 5 दिनों में सर, 3 मार्च से। उसी रात को सब लड़कों को बोलो हॉस्टल खाली कर दें और उसे सख्ती से इम्प्लीमेंट करो। उन्हें दूसरे राज्यों के छात्रों के साथ परीक्षा के दिन आने को कहो। तुम्हें पता है अगर वो लड़का मर जाता है तो हमें काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वीपी ने हमें हॉस्टल खाली करने के लिए कहा है, अब तुम कहाँ जाओगे? चलो देखते हैं। पिताजी चलो निकलते हैं, बाद में लेंगे। उसके 1 हफ्ते बाद उसकी बहन की शादी है, हमें साथ जाना है ना माँ। अरे मैं भूल गया, बाइक की चाबी रूम में ही है, तुम्हें चाहिए तो यूज करो, टेबल पे ही रखी है। मुझे लगता है पेशेंट कोमा में चला गया है। हमारा जिस्म ऐसे ही चलता रहता है जैसे सांस और पाचन, वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। इसके होश में आने का कोई चांस है क्या डॉक्टर? कोमा से दोबारा होश में आना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में लगने वाली चोट कितनी गहरी है। टेंशन इस बात का है कि इसके दिमाग में लगी चोट बहुत गहरी है और इसका कारण सिर्फ उसका गिरना नहीं बल्कि उसके नशे की लत है। उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। क्यों आप लोगों को नशे की आदत लग गई है? अपनी जिंदगी तो खराब की ही, साथ ही घर वालों की जिंदगी को भी नरक बना दिया। रामनाथ सर, बस थोड़ी देर में आते होंगे, आप कौन बोल रहे हैं? Thank you.
क्या आ रहा है? पानी लाया था सर। किसने मंगाया था? कहाँ लाया था? कौन किया? किसी और रूम में मंगाया होगा। माफ कर दो, मैंने तो थोड़ा सा मारने को कहा था, इसीलिए उसको कोमे में पहुंचाया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता, मुझे माफ कर दो, बस एक बार माफ कर दो। आप ही ऐसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मुझे माफ कर दो। और ये इसको तो मैं तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे प्लीज। क्या तू झगड़ा हुआ? रूम नंबर 304 है। अगर इसके साथ कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट या फिर कुछ भी, तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
के लिए अगली बस कितने बजे? सब निकल गया, अगली बस सुबह 6 बजे है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जिसमें लाइट जल रही है उनका क्या? कोई नहीं है। तुमने कहा था ये लोग छुट्टियों में वापस नहीं जाते, लेकिन लगता है ये लोग निकल गए। वो अपने दोस्त को अस्पताल में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो लोग कहाँ गए होंगे? आज शाम को अस्पताल में परेशान होके चल रहे थे। हो सकता है कि लड़का अस्पताल में सीरियस होने के कारण वहीं रुके थे। देखते हैं क्या होता है, यही इंतजार करेंगे। वो जगह खतरे से खाली नहीं, तुम लोग जल्दी मेरे शहर आ जाओ। आज हम हॉस्टल में रहेंगे, कल सुबह निकलेंगे। बेवकूफों जैसी बात मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ 2 ही घंटे लगेंगे। भास्कर के बाइक की चाबी रूम में रखी हुई है, बाइक लेकर जल्दी आ जाओ। वो घर आने के लिए बोल रहा है। क्या हम बत्तियां बुझा दें? वो हमें देख भी सकते हैं, उनको ये सब नहीं दिखेगा। आज के मुख्य समाचार। त्रिची में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक अज्ञात गिरोह ने एक जाति के 2 छात्रों को जान से मार दिया है। ये हत्या बहुत ही भयानक तरीके से की गई है। उन दोनों के कटे हुए सर को एक जाति के नेता की मूर्ति के पास फेंक दिया गया है। इसके अलावा नेता की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक छात्र ने मूर्ति पर गलती से एक बोतल फेंक दी थी। इस बात को लेकर संस्था के लोगों ने छात्रों को धमकियां भी दी थी और उसके बाद ये तनाव बढ़ता ही चला गया। शहर में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं। जो छात्र मारे गए हैं उन छात्रों की जाति के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों को जला दिया गया है, यहाँ तक कि उनके खेतों में भी आग लगा दी गई है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार हमें खबर मिली है कि पीने के पानी में जहर मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो गई हैं। इन घटनाओं की वजह से शहर में दंगे भड़कने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। सरकार परिस्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने कहा है कि अगले 24 घंटों में हालात काबू में आ जाएंगे। पेपर, क्या हमारी जाति के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या वो एक छात्र की छोटी सी गलती के कारण खून खराबा करेंगे? अभी तक किसी भी राजनीतिक दलों ने इसका खंडन तक नहीं किया। लेकिन तुम्हारे जाति के लोगों ने भी तो हमला किया है। हमने सिर्फ जवाबी हमला किया है, लड़ाई की शुरुआत नहीं की है। अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी आदमी खड़ा होता है, लेकिन हम उनके जैसे हैवान नहीं हैं। हमने एक दिन में 4 जानें गंवाई हैं। अब हमें खुद ही अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। अगर राजनीति ही एक रास्ता है जिससे हमारी जान बच सकती है, तो हम उसी का सहारा लेंगे और हम उसी रास्ते पर चलेंगे। अब हमारे जीवन का यही मकसद है, हम इसी पर अड़े रहेंगे। राजनीति से दूर रहने का एकमात्र कारण यह है कि हमारे जाति के सदस्यों पर किसी ना किसी तरीके से इसका असर पड़ेगा, लेकिन वो हमें जीने नहीं दे रहे। हमारे लोगों की जान बचाने के लिए हम अपने जाति के लिए एक पार्टी का गठन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में कुमार हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और हम मौजूदा विधायकों को भगा देंगे। हम संसदीय चुनाव में अपने 15,000 वोटों की क्या ताकत है दिखा देंगे। मरने वालों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जाता है संघ की तरफ से। माधवन सर की प्रतिमा लगाने का प्लान और वोटों की योजना अच्छी लगती है, पर कुछ भी काम नहीं आया। ये भी वैसा नहीं होगा, मुझे डर है कि लोग चुप रहेंगे। कुमार आइए संभाल के, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। अगर चित्राई से काम किया जाए तो एक माचिस की तीली काफी है,
पूरे जंगल में आग लगाने के लिए। ऐसा है क्या? सबको भड़काओ, झूठी खबर फैलाओ, ऐसा बोलो कि एक नवजात बच्चे को जिंदा जला दिया। उनको सच का पता लगने से पहले ही, उन्हें सच का पता चलने से पहले खून खराबे की शुरुआत हुई। कोई जहर तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं। अगर हम अपने जात बताए तो लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम ही उनके नेता है। अगर कोई और नेता आ गया तो वोट बट जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या 5 लाख वाकई में देने पड़ेंगे? 1 करोड़ कमाने के लिए 5 लाख कोई ज्यादा रकम नहीं है। पहले काम तो शुरू होने दो। हम सिर्फ उनके नौकर हैं, हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारे नेता ने ये सब षड्यंत्र रचाया है, ये उसी का दिमाग है। कुमार और उदय प्रसाद ने जाति भेदभाव फैलाने के लिए हम दोनों को मारने की प्लानिंग की थी। वो दोनों इस जातीय भेदभाव से फायदा उठाकर एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करना चाहते थे। उनके इस इरादे को नाकामयाब करने के लिए हमने उन दोनों को मार डाला। उनके काले कारनामे जनता के सामने आ सके, इसलिए हम दोनों ये पत्र लिख रहे हैं। और अब हम दोनों इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। विट्ठल और
पर खत्म क्यों है ऐसा जहां में।